हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टाइलो बुटीक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको देखिए 38 साइज का 4x ब्लाउज़ का कंप्लीट कटिंग बताऊंगी। लास्ट वीडियो में देखिए मैंने ब्लाउज़ से मेजरमेंट लेना आपको बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। मेजरमेंट देखिए मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। मेरे पास ये नाप के लिए ब्लाउज आया हुआ है तो इसका मैंने मेजरमेंट ले लिया है और यहाँ पर देखिए मैंने इसको नोट कर लिया है। 38 साइज़ का ये ब्लाउज़ है और ये देखिए फ्रंट ओपन पे है और 4x ब्लाउज है ये। तो आज के वीडियो में देखिए मैं आपको यहाँ पर इसकी कंप्लीट कटिंग बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी कटिंग अस्तर वाले कपड़े के ऊपर करेंगे। कपड़े को देखिए मैंने यहाँ पर आयरन लगा लिया है। नीचे की तरफ हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा करेंगे यहाँ से। अभी देखिए सबसे पहले हम इसमें बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमारा जो तैयार ब्लाउज है वो 13 इंच है, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करके लेंथ के लिए 14 इंच पर निशान लगाएंगे। जितने भी आपके ब्लाउज की रेडी लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस कर लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। इसके बाद देखिए इसका जो बैक नेक है वो यहाँ से 8 इंच खुला है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें देखिए यहाँ पर शोल्डर कम लेने हैं। शोल्डर यहाँ से देखिए 38 साइज़ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर 5.5 इंच लेने हैं और आर्म होल से यहाँ से देखिए हमें 5.25 इंच लेने हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने एक बॉक्स यहाँ पर बना लिया है और 1/2 इंच देखिए यहाँ से हम एक निशान बैक में लगाएंगे और इसको देखिए ऐसे तिरछा मिलाएंगे। क्योंकि हमने यहाँ पर शोल्डर कम लिए हैं इसलिए देखिए मैंने यहाँ पर 1/2 इंच इतना बैक में ड्रॉ किया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारा यहाँ पे 38 इंच है तो इसका हम चौथा भाग करेंगे तो आएगा 9.5 इंच और यहाँ से हम 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम कमर का भी चौथा भाग ले लेंगे। कमर हमारे यहाँ पर 30 इंच है तो इसका चौथा भाग करेंगे तो 7.5 इंच आएगा और 1 इंच हम यहाँ पर देखिए बैक प्लेट्स के लिए एक्स्ट्रा लेंगे और 2 इंच यहाँ से हम सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे और इन निशान्स को देखिए हम यहाँ पर मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही इजी तरीका है, इस तरीके से आप इजीली अपने ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हो। और यहाँ से देखिए आर्म होल में हम 1 इंच की यहाँ पर गोलाई करेंगे। मैंने 1 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ पर देखिए हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसमें आर्म होल का शेप दे देंगे। और यहाँ पर देखिए हम नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे तो नेक विड्थ के लिए यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और टोटल नेक डीप जो हम 8 इंच रखेंगे तैयार, तो इसमें 1/2 इंच हम जो ऊपर की तरफ हमारा शोल्डर में जाएगा उसके लिए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और नीचे से देखिए नेक विड्थ हम 3 इंच रखेंगे, ऊपर से मैंने देखिए 2.5 इंच रखी है, नीचे से थोड़ा सा हम नेक को फैलाएंगे तो नीचे से मैंने नेक विड्थ 3 इंच रखी है। और यहाँ पर भी देखिए हम इस आर्म होल शेपर से यहाँ पर इसमें गोलाई कर देंगे। फ्रेंड्स आप चाहो तो यहाँ पर कोई डिफरेंट डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। तो बैक पार्ट की यहाँ पर देखिए मार्किंग हो चुकी है। और एक चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, देखिए शोल्डर को हमें देखिए 1/2 इंच से कम थोड़ा सा 2 सूत जितना गले की तरफ डाउन करना है, तो इसे जो हमारा ये डीप नेक है तो इसमें शोल्डर डाउन होने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स आप इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें। तो बैक पार्ट की यहाँ पर मार्किंग हो चुकी है, अभी इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ से देखिए इसकी खुली वाली साइड है, यहाँ पर देखिए हम हुखाई पट्टी के लिए 1/2 इंच जितना यहाँ पर कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। ये देखिए तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है हुखाई पट्टी के लिए और बैक पार्ट को लेंगे हम और जो हमने हुखाई पट्टी के लिए लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर देखिए हम बैक पार्ट को रखेंगे। ये देखिए इस लाइन से मिलाते हुए इस तरीके से हमें यहाँ पर बैक पार्ट को रख लेना है। ऊपर से इसको हम एज इट इज़ ड्रॉ करेंगे और आर्म होल की तरफ से भी हम इसको एक बार एज इट इज़ ही ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स जो फ्रंट पार्ट में चेंजेस करने हैं वो देखिए इसकी जो लेंथ है इसको हम यहाँ से 1 इंच बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पर हम बेल्ट अटैच करेंगे तो इसमें हमारा ये कपड़ा एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर लेना है लेंथ में देखिए। और साइड से देखिए इसको हम 1/2 इंच बढ़ाएंगे आर्म होल की तरफ से
और नीचे की तरफ भी हम हाफ इंच इसको बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पर एक सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता देती हूँ मैंने फ्रंट में क्या चेंजेस किए हैं। देखिए ऊपर की तरफ से और आर्म होल की तरफ से मैंने इसको एज इट इज़ ड्रॉ किया है, और यहाँ से साइड से मैंने इसको हाफ इंच बढ़ा कर लिया है, और जो इसकी लेंथ है इसको मैंने यहाँ से 1 इंच बढ़ाया है। केवल यही चेंज हमें फ्रंट पार्ट में करने हैं। तो अभी यहाँ से बैक पार्ट को हम हटा देंगे, और यहाँ पर एक बार हम फिर से निशान लगा लेंगे शोल्डर एंड आर्म होल के लिए। जो हमने बैक में लगाए थे सेम वही निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो आधा इंच की देखिए हम फ्रंट पार्ट में गहराई करेंगे। तो मैंने हाफ इंच पे एक निशान लगाया है, और यहाँ पर भी हम देखिए गहराई कर देंगे। आप यहाँ पर इसमें ज़्यादा गहराई ना करें, आधा इंच से ज़्यादा, आधा इंच की ही गहराई यहाँ पर हमें करनी है। तो अभी इन निशान्स को भी यहाँ से हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए देखिए यहाँ पर हम 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे से देखिए ये हमारा 3 इंच आ रहा है, और यहाँ पर एक बार एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे देखिए स्केल की हेल्प से। इसके बाद देखिए जो हमने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर की तरफ हम एक निशान हाफ इंच पर लगाएंगे, और यहाँ पर देखिए हमें बेल्ट का शेप दे देना इस तरीके से देखिए, और यहाँ साइड से भी देखिए इसमें हाफ इंच जितना यहाँ पर भी हम गोलाई कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसमें टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो जो हुकाई पट्टी के लिए हमने लाइन ड्रॉ की है यहाँ से देखिए इसमें हम 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे टक्स के लिए, और ऊपर से हम बस्ट पॉइंट का भी निशान लगा लेंगे। जितना भी आपका बस्ट पॉइंट है उसका आप यहाँ पर निशान लगा लीजिए, और इस लाइन की तरफ देखिए हमें 1.25 इंच पर निशान लगाना है, 0.75 इंच, और इसको देखिए ऐसे मिला देना है इस तरीके से। इसके बाद देखिए जो हम आर्म होल की तरफ टैक्स लगाते हैं वो हमें 20 सेंटर में लगा लेनी है यहाँ पर, और इन टैक्स के बीच की दूरी देखिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच रखी हुई है, और यहाँ से देखिए एक निशान हम 1.5 इंच पर लगाएंगे। जो हमने बेल्ट के लिए निशान लगाया था इस निशान के ऊपर हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है, और इन दोनों निशान से भी हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम इजीली टक्स के लिए निशान लगा सकते हैं। मेरा इसका एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको टक्स के निशान लगाने बताए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप ज़रूर से देखें। तो फ्रंट में भी हम नेक ड्रॉ कर लेंगे। नेक विड्थ यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे, और फ्रंट नेक डीप यहाँ पर मैं 7 इंच रखूँगी। देखिए नीचे से भी देखिए इस नेक को थोड़ा सा हम फैलाएंगे। नीचे से मैंने नेक विड्थ 3 इंच रखी है, ऊपर से नेक विड्थ मैंने 2.5 इंच रखी है, और सिंपली यहाँ पर भी हम गोलाई कर देंगे, राउंड नेक यहाँ पर हम बनाएंगे। फ्रंट में भी अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहते हो डिफरेंट तो वो भी बना सकते हो। और देखिए यहाँ पर जो टक्स लगाएंगे वो हम 20 सेंटर में लगाएंगे। ये देखिए, तो इन चारों टक्स के बीच की जो दूरी रखी है वो मैंने रखी है 2.5 इंच। और अभी देखिए यहाँ से बेल्ट को कट करके अलग कर देंगे, और जहाँ पर देखिए ये एक्स्ट्रा बेल्ट है इसको कट करके यहाँ से निकाल देंगे साइड से। कमर का यहाँ पर 1/4 भाग लेंगे, और 2 इंच यहाँ से सिलाई मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो हमारी हैवी टक्स आएगी यहाँ पर, तो ये देखिए इसको हम जॉइंट करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा बेल्ट है इसको यहाँ से देखिए इस तरीके से हम निकाल देंगे। तो फ्रंट पार्ट की भी देखिए यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर बैक पार्ट के आर्म होल्स नाप लेंगे। तो ऊपर की तरफ हम हाफ इंच जितनी जगह छोड़ते हुए देखिए आर्म होल्स को नापेंगे। आर्म होल्स यहाँ से देखिए हमारे 8.25 इंच आ रहे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो दोनों ही स्लीव्स की देखिए हम साथ में ही कटिंग करेंगे।
कपड़े को एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए कपड़े की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 10 इंच ली हुई है। साइड से देखिए ये कपड़ा हमारा कम होगा तो इसमें हम बाद में जॉइंट लगा लेंगे। नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा करेंगे। और अभी देखिए स्लीव्स की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तैयार लेंथ हमारी यहाँ पर देखिए 9 इंच है, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करके 10 इंच पर निशान लगाएंगे और इस लाइन को सीधा मिला लेंगे। देखिए यहाँ पर इसमें हम जॉइंट बाद में लगाएंगे, पहले यहाँ पर हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स को देखिए हम 3 इंच पर डाउन करेंगे और यहाँ से देखिए इन स्टेप को तिरछा रखते हुए जितने भी आपके ब्लाउज का आर्म होल है उसका निशान लगा ले। तो मैंने यहाँ पर देखिए 8.25 इंच पर निशान लगा लिया है और यहाँ से सिंपली हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। तो इस तरीके से आप इजीली किसी भी साइज़ के लिए देखिए स्लीव्स की कटिंग है वो इजीली कर सकते हो। बहुत ही ईजी तरीका है ये। और 1/2 इंच की देखिए यहाँ पर इसमें हम गहराई कर देंगे फ्रंट पार्ट में स्लीव्स में देखिए। और इसके बाद देखिए हम यहाँ पर स्लीव्स की मोरी के लिए निशान लगाएंगे और इसमें देखिए 2 इंच जितना यहाँ पर सिलाई मार्जिन ले लेंगे। जितना सिलाई मार्जिन आपने ब्लाउज में लिया है उतना ही सिलाई मार्जिन आप स्लीव्स में लें। स्लीव्स की भी देखिए यहाँ पर मार्किंग हो चुकी है। अब इसको यहाँ से कट करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप फोरटक्स ब्लाउज की स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो उसका भी मेरा एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ से आप ब्लाउज स्टिच करना सीख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। इसमें यहाँ पर देखिए एक जॉइंट लगाएंगे हम। जॉइंट लगाने के बाद जो हमने गहराई के लिए निशान लगाया है वो भी कट कर लेंगे। तो ब्लाउज़ की कटिंग देखिए यहाँ पर हो चुकी है। अभी इसको हम मैन फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इस ब्लाउज़ की अगर आप स्टिचिंग भी सीखना चाहते हैं तो मेरा फोरटक्स ब्लाउज़ का ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। इसको स्टिच कैसे करते हैं, इसके नेक में डोरी वाली पाइपिंग कैसे लगाते हैं, उसका डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर से देखें। और आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर से करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।